राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचे पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम बातचीत की कला। बातचीत करना एक महान कला है और यह आवश्यक है कि हम इसे समझें। मेरी मित्र कल्याणी के पास अपने चारों ओर के वातावरण, जैसे फूलों और पक्षियों, नगरों और गांवों, पर्यावरण और प्रदूषण, योग तथा जड़ी बूटियों, साहित्य तथा धर्म, रंगमंच तथा संगीत और कई अन्य बातों के बारे में ज्ञान का भंडार है। वो जीवन की हर वस्तु में रुचि लेती है, उसमें जीवन तथा चेतना है। उसके साथ बातचीत करना वास्तव में एक शिक्षा है, क्योंकि वर्षों में अपने अनुभवों से उसने जो कुछ भी जाना है, सीखा है, वे अनुभव तथा ज्ञान की बातें वो बड़े उत्साह से बताती है और लोगों से बातें करने में उसे आनंद मिलता है। फिर मेरा एक दूसरा मित्र डेनियल है, जो विज्ञान तथा इतिहास जैसे विषयों के बारे में बहुत तो नहीं जानता, परंतु उसने कई जगहों की यात्रा की है और कई बार वो पर्वतारोहण भी कर चुका है। उसके अनुभवों की कहानियां बड़ी रोमांचक होती हैं और उन्हें सुनने में बहुत मजा आता है। उसकी बातें उत्साहपूर्ण होती हैं और वो कई लोगों के समान बातचीत पर केवल अपना ही अधिकार नहीं जमाता। बातचीत के दौरान वो दूसरों के अनुभव संबंधी छोटे छोटे प्रश्न पूछकर उन्हें भी इस बातचीत का एक अंग बना देता है। इस कारण उसकी बातें सुनते कोई नहीं थकता, क्योंकि डेनियल की बातें सुनने वाला भी बातचीत में भाग जो लेता है। बेगम खातून का स्वभाव अलग है। शर्मीले स्वभाव की वो स्त्री बहुत मृदु स्वर में धीरे से बोलती हैं। उनकी सीधी सादी बातों से दिल पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो तुमसे तुम्हारी कुशलता, तुम्हारी प्रिय वस्तुओं के विषय में पूछेंगी और ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगी जिनमें आपको मजा आएगा। ये बात कितनी सच है ना, कि हमें उन लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है जो मृदुभाषी होते हैं और जो अपनी बात दूसरों पर नहीं थोपते। दूसरे प्रकार के लोग मोहन चाचा और उनके मित्रों जैसे होते हैं। वे हमेशा अखबारों तथा पत्रिकाओं में आई खबरों के बारे में जोर शोर से बातें करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, किसी के पक्ष में अथवा किसी के विपक्ष में बोलते हैं। उनके सरकार को लेकर, व्यापार तथा उद्योग, कपड़े और हथकरघा, अमरीका तथा रूस को लेकर तरह तरह के विचार है। वे इन विषयों पर बोलते ही चले जाते हैं, कोई उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। कभी कभी इस बातचीत की शुरुआत तो ठीक से होती है, लेकिन शीघ्र ही ये बातचीत एक गर्मा गर्म बहस का रूप धारण कर लेती है। इस कारण कई बार इस बहस का शोर रेडियो में आ रहे उस शोर के समान होता है जब रेडियो की सुई ठीक स्थान पर नहीं होती। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही विचारों को बताना चाहे तो वहां विचारों का आदान प्रदान नहीं हो सकता।
इस कारण अनीता चाची अपने घर में इस प्रकार के शोरगुल व विवादों से इतनी तंग हैं कि वे इनकी अनसुनी कर देती हैं और कोने में बैठकर बुनाई करने में व्यस्त रहती हैं। उन्हें ये सब कुछ अपने बचपन के दिनों से बहुत अलग लगता है, जब हर व्यक्ति बहुत ही धीरे बोलता था। घर आने वाले अतिथि अपने साथ प्रसन्नता लाते थे। क्या तुमने एक और बात पर गौर किया है? अक्सर लोग अपने से उच्च वर्ग के लोगों के साथ बहुत ही आदरपूर्ण व्यवहार करते हैं, किंतु अपने से निम्न वर्ग जैसे नौकरों आदि के साथ बहुत ही कठोर तथा रूखा व्यवहार करते हैं। अब हम देखें कि स्कूलों में बच्चे किस प्रकार बोलते हैं। जब आधी छुट्टी में तुम सब साथ होते हो तो किस विषय पर बातें करते हो? शायद अपनी छुट्टियों के बारे में, अपनी खरीदी वस्तु के बारे में, तुम क्या करना चाहते हो इस बारे में, और साथ ही शिक्षकों के बारे में। पर इतना तो तुम मानोगे कि जब तुम बातें करते हो तो तुम में से कई एक साथ बोलते हैं। कोई किसी की नहीं सुनता, कोई धीमे स्वर में नहीं बोलता, कई बार छात्र चिल्लाते हैं। वार्तालाप की कला बिल्कुल भिन्न है। वार्तालाप में अपनी आवाज को ऊंची कर पंचम स्वर में बोलना सभ्य नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि सब में इतनी शक्ति है और इतना बांटने की क्षमता भी है, परंतु ये बहुत दुख की बात है कि इनमें से कई दूसरों की बातों को सुनना नहीं जानते, है ना? एक बात पर और ध्यान दो। स्कूल में हम अपनी ही एक भाषा बना लेते हैं। कभी कभी ये अपभाषा होती है और कभी कभी एकदम काम चलाओ। क्या तुमने अपनी भाषा पर ध्यान दिया है और देखा है कि तुम लोगों के साथ बोलने में कितने मधुर और नम्र हो? क्या तुम सरलता तथा सहजता से वार्तालाप कर सकते हो? क्या तुम शर्मीले और अल्पभाषी हो? अगर ऐसा है तो क्या तुमने इसके कारण पर कभी अपने आप से प्रश्न किया है? क्या तुम में सुनने का धैर्य है? क्या तुम्हारा दिमाग एक खुली किताब है? और क्या तुम दूसरों के दृष्टिकोण को देख सकते हो? इस अल्पायु में क्या तुम वार्तालाप की कला सीखना चाहोगे? भविष्य में जब तुम किसी वार्तालाप के बीचों बीच हो तो क्या थोड़ी देर ठहर कर स्वयं पर ध्यान दोगे? अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वनिंकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।